नमस्कार, धनु राशि के लिए एक अति विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक अच्छे से विचार से। कहते हैं कि अंधेरे में तो हीरा ही चमकता है, अंधेरे में तो हीरा ही चमकता है, और जब रोशनी हो, जब प्रकाश हो, जब सूर्य निकला हुआ हो, तब तो कांच भी चमकने लगता है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको हीरा बनना है तो अंधेरे में चमकना होगा, मतलब मुश्किलों में जो आगे बढ़ोगे हीरा तभी बन पाओगे। ये एक सिंबॉलिज्म है कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो मुसीबतों का तो सामना करना होगा, डिसीजन तो लेना होगा। अगर आप बहुत समय से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपना करना क्या है उस पर रुक नहीं पा रहे हैं, ये तो फिर सफलता आपके हाथ की बात नहीं है। मतलब स्टार्स भी आपको तभी सफलता दे सकते हैं ना कि आप उनका यूज करें, ऐसा नहीं कि अपने आप आपके पास ले आएंगे। खैर, इसके साथ हम धनु राशि के राशिफल पे बढ़ते हैं, जो साल का आखिरी महीना है और आप ये भी कह सकते हैं कि अगली साल आने वाली है। तो आशा है कि आपके लिए साल कहीं ना कहीं अच्छी रही होगी। अगर टफ भी रही होगी तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगले साल आपको बहुत कुछ देने वाली हो। अब बढ़ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। महीना काफ़ी विशेष है, काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं, मोस्टली शुभ ही हैं। उनमें से हम एक एक परिवर्तन को देखेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके करियर पर, आपके घर पर, स्वास्थ्य पर, धन पर, बिजनेस पर, काम धंधे पर, स्पिरिचुअलिटी पर, अध्यात्म पर, प्रेम पर, प्रेम जीवन पर, शादी विवाह के लाइफ पर, हर चीज़ को देखेंगे, गहराई से देखेंगे और क्या ख्याल रख सकते हैं उन सबको पर भी आएंगे। डेट वाइज भी देखेंगे किस डेट पे क्या हो सकता है, कौन कौन से शुभ तारीखें रहेंगे किस चीज़ के लिए। बाई चांस आपको कोई काम करना है, भाई गाड़ी से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, कोई काम है तो उसको कब करें, कब कौन सी डेट सही रहेगी। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। तो पहले ही भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आएंगे, 16 तारीख को संक्रांति है। सूर्य किस राशि में आ रहे हैं, धनु राशि में आ रहे हैं, धनु का वीडियो है तो इंपॉर्टेंट बात है, भाग्य के स्वामी है। पहले भाव में आ रहे हैं, बहुत शुभ है, पर 16 तारीख के बाद। तीसरे भाव में शनि जैसे चल रहे थे वैसे ही है, शनि जो है तीसरे भाव में शनि को वैसे शुभ माना जाता है, मतलब ये अच्छा गोचर है आपके लिए। इसके बाद राहु, अभी नया गोचर ही स्टार्ट हुआ है कि राहु चौथे भाव में आ गए और ये मीन राशि में चल रहे हैं। गुरु अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं पंचम भाव में, ये भी अच्छा है। इसके बाद छठा, सातवां, आठवां भाव, नवम भाव भी खाली है। दसम भाव में केतु है कन्या राशि में और शुक्र जो है ये बड़ा परिवर्तन है कि शुक्र अपनी ही राशि में तुला राशि में रहने वाले हैं। ग्यारहवें भाव में लक्ष्मी के भाव में, धन के भाव में, और लगभग पूरे महीने जो है शुक्र यहीं पर रहेंगे, 24 दिसंबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। इसके बाद शुक्र सीधी सी बात है नेक्स्ट भाव में वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, पर 24 तक यहीं पर है तो यहीं पर दिखाया। और मंगल की बात करें वो लगभग पूरे महीने आपके 12वें भाव में वृश्चिक राशि में अपनी ही राशि में रहेंगे, 28 तारीख को फिर वो आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। जब प्रथम भाव में आएंगे तो ये गुरु और मंगल का परिवर्तन है जो शुभ है, और मंगल का यहाँ आना भी आपके लिए शुभ है। पर चूंकि 28 तारीख को आएंगे, महीना पूरा लगभग निकल चुका होगा, तो हम इसको यहीं दिखाएंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन सूर्य का परिवर्तन है, क्योंकि सूर्य हर महीने बदलते हैं, एक राशि में रहते हैं तो महीने का बहुत मोस्टली जो रिजल्ट होता है ना वो सूर्य दिखाते हैं। तो इस महीने सूर्य आ रहे हैं पहले भाव में, कोई बड़ा निर्णय आपको लेना होगा, कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। एक बड़ा डिसीजन आपको शायद आपके भाग्य की तरफ ले जा सकता है, जिससे आप कहीं ना कहीं लेने से सोचने डर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं है, पर आपको कुछ बड़ा निर्णय लेना है, पर आपके मन में वो संशय है। पर अगर आप उसको लेते हैं तो ये दिखाता है कि भाग्य आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कोई अच्छी चीज की शुरुआत आपके लिए हो सकती है। तो कोई बड़ा निर्णय इस महीने आप ले सकते हैं, ये 16 तारीख के बाद होगा या 16 तारीख के आसपास होगा, ऐसा यहां पर दिखा रहा है। इसके साथ साथ सूर्य ये भी दिखाते हैं कि 16 तारीख से पहले स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कतें रह सकती हैं, प्रयास थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आपका जो प्रयास हो उसका उतना रिजल्ट निकल कर ना आए, पर आपको छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है 16 के बाद आपको निकल के आएगा। और इसमें भी 16 के बाद जो कह सकते हैं 23 तारीख काफी शुभ है। इसके साथ साथ बाकी जो तारीखें हैं 23 काफी अच्छा आपको कह सकते हो कि डेट आपकी बन रही है, और जो 28 तारीख है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आपके लिए आ रही है। 23 और 28 में कुछ भाग्यशाली इवेंट आपके हो सकते हैं। इसके बाद सूर्य बुध का ये जो राजयोग भी है, ये मैंने यहाँ लिखा राजयोग सूर्य बुध, राजा सूर्य और युवराज बुध बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो पुदादित्य योग बनता ही रहता है, पर जब ये केंद्र त्रिकोण में बने तो बहुत बड़ी बात, और पहले ही भाव में बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई। तो ये एक शुभ योग बना हुआ है, इसको निपुण योग भी कहते हैं, निपुण क्योंकि जो सूर्य है वो रोशनी है, लॉयल्टी है, आत्मविश्वास है, धर्म पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है, और बुद्ध जो है एबिलिटी है आपकी, प्लान बनाना, बातें करना, ह्यूमरस रहना, बुद्धि का उपयोग करना, किसी चीज को सीख लेना। और सूर्य दृष्टि भी देते हैं कि वो चीज सीखिए उसको करना कब है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि तो है, बोलना क्या है उस विषय पर वो जानता है,
पर कब बोलना है कब नहीं बोलना है, सूर्य इस चीज को देते हैं, एक सेंस देते हैं, सूर्य लाइट देते हैं, देखने की शक्ति देते हैं। इसी वजह से सूर्य बुध को निपुण योग बोलते हैं। जब भी ये पहले भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या केंद्र में बनता है तो उसको हम शुभ मानते हैं। तो ये योग आपका शुभ बन रहा है, ये आपको नौकरी आदि में भी सफलता दिला सकता है, प्रमोशन आदि भी मिल सकते हैं। जो मैंने तारीखें बताई उन तारीखों को, 23 तारीख है आपकी, 28 तारीख है, ये जो तारीखें हैं इस दिन प्रमोशन आदि का भी चांस यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा बहुत ही शुभ जो परिवर्तन इस महीने हो रहा है, बाकी तो ग्रह चल ही रहे हैं, वो शुक्र का है, पारिजात योग बना हुआ है। देखिए द्वितीय भाव और एकादश भाव ये धन से रिलेटेड है, लक्ष्मी से रिलेटेड है। जहां तक पैसे की बात है तो ये योग अच्छा है कि भैया एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही बैठे, बहुत ही शुभ है। वैसे भी एकादश भाव में हर ग्रह अच्छा होता है, शुक्र तो भाई उस भाव के आप कह सकते हो मालिक होके बैठे हुए हैं। अब घर में व्यक्ति बैठा हो, अपने ही घर में बैठा तो कंफर्टेबल रहता है, अच्छी तरह से उसके रिजल्ट देता है, तो और शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर शुक्र आपको शत्रु से भी लाभ करा सकते हैं, मतलब किससे शत्रुता चल रही है, कोई कंपटीशन है, कोई कोर्ट केस आदि का रस चल रहा है आपका, उसमें आप विजय आपको मिल सकती है, ये इस चीज को भी दिखा रहा है। अगर आपने किसी की हेल्प की है तो आप शायद वो व्यक्ति आपकी हेल्प कर दे, इस चीज को भी यहाँ पे दिखा रहा है शुक्र। महिलाओं से, क्रिएटिव वर्क से, आर्ट फील्ड से, या आप हीलिंग के काम में है वो उससे, फ्लावर से रिलेटेड कोई काम है आपका, डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप किसी तरह से, मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कोई शुक्र इन सबको, म्यूजिक से आप जुड़े हैं, आर्ट से आप जुड़े हैं, तो आपको काफी लाभ होने वाला है। और नहीं तो आप किसी भी फील्ड में बोले, आपको फीमेल से लाभ रह सकता है, फीमेल आपकी कोई कलीग हो सकती है, माता बहन, उन सबसे लाभ हो सकता है, इस चीज को दिखा रहा है। आपके बड़े भाई की लाइफ में भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं, शुभ चीजें हो सकती हैं, उनको कोई लाभ हो सकता है, इस चीज को भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके लिए आपके कुंडली में भी एक अच्छी दशा का चलना, अंतर दशा का चलना, साथ में आपके कुंडली में उस चीज का प्रॉमिस होना आवश्यक है। मतलब कुंडली में ही अगर योग नहीं है, लक्ष्मी योग नहीं है, धन योग नहीं है, लग्न लगने से दिक्कत में है, तो ये गोचर आपको कुछ खास कर नहीं पाएंगे। पर ये जो थंबनेल में होता है कि भाई किस्मत पलटेगी 100%, तो ये उन लोगों के लिए जिनकी राशि में ये योग है तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। इसके बाद हाँ ये जरूर है, आप जहां पर भी हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं फीमेल से आपका लाभ हो सकता है, ये अवश्य है। इसके बाद केतु का जो न्यू परिवर्तन हुआ है, नया परिवर्तन आया, दशम भाव में आए हैं। देखिए कार्य के क्षेत्र में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, बदलाव आएगा, आप प्रोफेशन या लाइन चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर आपका हो सकता है, इसकी पूरी उम्मीदें हैं एक साल तक, अगले डेढ़ साल तक आप कह सकते हो। केतु दशम में आए हैं, कार्य के क्षेत्र में कुछ डिससेटिस्फेक्शन भी आपको रहेगा, खास करके जो जॉब कर रहे हैं अपने ऊपर कुछ करना चाहते हैं। जहां तक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस या व्यापार के मामले में महीना अच्छा है, आपको सपोर्ट मिलेगा भाग्य का भी। आपकी जो एबिलिटी है ना लोगों से बात करके, उस बात को समझाने की जो आपके अंदर एबिलिटी है, वो आपको बहुत फल दे सकती है, रिजल्ट ला सकती है। इसके साथ साथ आप अपनी मर्यादा का जो ख्याल रखते हैं, आपने जो अपनी एक अच्छी इमेज बनाई है लोगों के बीच, अगर बनाई है तो उस इमेज की वजह से आपको लोग चुन सकते हैं कि भाई दो लोग हैं, दोनों को ही चुनना है, एबिलिटी दोनों के ही पास है, पर ये व्यक्ति थोड़ा ऑनेस्ट है, ये धोखा नहीं देगा, तो क्यों ना हम इसको लें। वो आपकी अगर इमेज जो आपने बनाई है, जो अक्सर धनु वालों की होती है कि अपनी बात पर रुके रहना, ईमानदार होना, सत्य बोल देना, ये इसके कारण आपको लाभ हो सकता है, बुध इस चीज को दिखा रहे हैं। अब इसमें भी कौन कौन सी जो डेट्स हैं जो व्यापार आदि में लाभ करा सकती हैं, तो देखिए बारह तारीख बहुत शुभ निकल के आ रही है, 12 तारीख बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है, बिजनेस आदि में आपको लाभ रह सकता है। इसके साथ साथ 29 तारीख जो है वो काफी शुभ है, 12 तारीख बहुत अच्छी है और 29 तारीख जो है वो भी बहुत शुभ आ रही है आपकी, और आपका 21 तारीख जो है वो भी बहुत अच्छी है। 12 तारीख की रात और 21 तारीख का जो दिन है वो काफी शुभ आ रहा है, और जो लास्ट में मैंने बताया कि भाई 29 तारीख जो है वो भी काफी अच्छी है। इन दिनों में कुछ खुशखबरी मिल सकती है, बिजनेस से संबंधित, पार्टनर से संबंधित, लोगों से संबंधित, कुछ दुनिया में आपका नाम हो या कोई अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको शोहरत का मिलना, इज्जत का मिलना, कुछ ऐसा कुछ अच्छा जो है इस महीने हो सकता है इन तारीखों को, इस तरह के हमारे ग्रह दिखा रहे हैं। अभी जो डेट निकाली होती है वो नक्षत्रों के आधार पर, गोचरों के आधार पर निकाली जाती है। अब अगर प्यार की बात करें, प्रेम की बात करें, रिलेशंस की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो महीना बढ़िया है, प्रेम के लिए भी बढ़िया है, विवाह के लिए भी अच्छा है ये महीना, किसी को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है, और किसी से अगर आपकी फ्रेंडशिप चल रही है ऑलरेडी तो उसके लिए भी शुभ है, और खास करके 10 तारीख बहुत बढ़िया है रिश्तों के लिए, और 19 तारीख काफ़ी शुभ है, और 27 तारीख बहुत शुभ है। शादी विवाह के लिए 6, 7, 9, 15 तारीखें बहुत बढ़िया है। अब ये शादी विवाह मतलब किसी के साथ एक रिश्ते में आना, एक वादा कर, एक प्रॉमिस करना, ये सिर्फ
ऐसा नहीं कि लड़का लड़की के बीच जो शादी है वो तो है ही है, बिजनेस में भी ये दिन शुभ है, पार्टनरशिप में किसी के साथ आना, फाइनेंशियल पार्टनरशिप होती है उसके लिए भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी महीना बढ़िया, ये तारीख है पढ़ाई लिखाई एग्जाम आदि के लिए भी बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट्स के लिए महीना बढ़िया, शादी विवाह के लिए भी ये बहुत अच्छा महीना है। इसके साथ साथ बस किस बात का ध्यान रखना है, जो लोगों की शादी में जो रिलेशन में ऑलरेडी है उनको किस बात का ध्यान रखना है कि गुस्से में नहीं आना है, पार्टनर की थोड़ी सी बात को समझना है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है आपका पार्टनर, उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, आपको थोड़ा सा कम मैच्योर लगे आपसे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर आपको उस पर बात पर नाराज नहीं होना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मंगल जो अपनी राशि में आए हैं 12वें भाव में वो थोड़ा सा उनकी आठवीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है तो इन चीज़ों को दे सकते हैं, और 12वें भाव में आए हुए मंगल एक विमल नाम का विपरीत राजयोग भी बनाते हैं जो आपको फॉरेन चीज़ों से, फॉरेन कंट्री से, विदेशों से लाभ करा सकता है, इन्वेस्टमेंट आदि से आपको लाभ करा सकता है, स्टडी आदि के लिए आपको बाहर भेज सकता है, वो चीज़ है, खर्चा थोड़ा सा रहेगा लाइफ में, जो आपने धन कमा रहे हैं ना, पर कहीं ना कहीं कोई खर्चा निकल के आ सकता है, कोई खर्चा हो सकता है, जैसे कि 8 तारीख को खर्चा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, इसके साथ साथ 17 तारीख हो गई आपकी, और 25 तारीख के आसपास कोई खर्चा वगैरह हो सकता है, ट्रैवल वगैरह हो सकता है, स्वास्थ्य का भी इन दिनों ध्यान रखना है, कोई छोटी मोटी चोट आदि का भय इन दिनों है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आपकी कुंडली में भी मंगल कहीं आसपास हैं तो हनुमान जी की पूजा करना, लाल चीज़ों का दान करना, पवन सुत हनुमान की पूजा करना और सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, महीना बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, पर स्वास्थ्य में अगर आपको कोई दिक्कत चल रही है तो गुरुवार के दिन पीले फूल 5, 7 या 11 आप नारायण को चढ़ाएं या भगवान शिव को भी चढ़ा सकते हैं, नारायण को चढ़ाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए। वैसे महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में माता से दूरी बन सकती है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है, मानसिक शांति थोड़ी सी भंग रह सकती है, मानसिक शांति थोड़ी भंग रह सकती है, हालांकि आप अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करेंगे, आपका प्रयास रहेगा कि घर में सब कुछ ठीक रहे, माता के साथ भी रिश्तों को आप समझाने की बहुत कोशिश करेंगे, पर इसके बावजूद डिजायरेबल रिजल्ट शायद यहाँ पर ना मिले, इस तरह को दिखा रहा है, खास करके जो 26 तारीख है 26 के आसपास घर में कोई झगड़ा होना, कोई बात होना, ये बहुत ज़्यादा चांसेज है, 18 तारीख भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हम बेस्ट नहीं कह सकते, और 9 तारीख जो भी है रिश्तों के मामले में हल्का सा ख्याल रखना है, ये खासकर पति पत्नी से भी ज़्यादा माता पिता फैमिली दोस्त उनके लिए दिखा रहा है, ये समझ लीजिए आप। धन की बात करें, धन का स्वामी तृतीय भाव में है, धन के लिए यात्राएं होना, आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी का रोल रहेगा, मेहनत एफर्ट हार्डवर्क धन के लिए करना पड़ेगा, हालांकि शुक्र लाभ दिखा रहा था पर धन का स्वामी तृतीय भाव में जो शनि महाराज है वो इस चीज को दिखा रहे हैं, शनि यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि रिश्तों में देखिए देना ज्यादा पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल ज्यादा होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले तो रहेगा, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो स्पाउस है पार्टनर है पति है पत्नी है, पढ़ाई लिखाई के मामले में स्टॉक के मामले में इन्वेस्टमेंट के मामले में चीज़ें डिले चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं पर आगे जाएंगी। वहीं शनि की दृष्टि भाग्य भाग पर ही ये कहती है कि भाग्य आपका साथ तो देगा, क्योंकि सूर्य खास करके 16 तारीख के बाद, पर 16 तारीख से पहले तक थोड़ा सा हार्डशिप रह सकती है भाग्य के मामले में, जो काम लक पे टिका है वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक दिन पहले आता तो चीज़ काम बन सकता था, एक दिन बाद में आता तो बन सकता है, बहुत सही समय पर सही जगह नहीं होंगे 16 तारीख तक, पर प्रयास करते रहना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपके अधिकार में कर्म है, कुछ लोग समझते हैं कि भैया जब अच्छी दशा आएगी उसके बाद ही पढ़ाई करेंगे क्योंकि, या उसके बाद ही किसी चीज़ को करेंगे, तब तक करने की सही दशा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, आपको अनुभव बुरे अनुभवों से होता है और बुरे अनुभवों के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर आप ये सोचो कि भाई इस साल तो काम बनने वाला ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते तो शिक्षा ही नहीं मिलेगी, अब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो सही समय पर भी आप शायद कामयाब ना हो पाओ, तो कर्म प्रधान ये संसार है, कर्म से ही भाग्य निर्माण होता है। इसके बाद हमने धन भी देख लिया, लाभ भी देख लिया, रिश्तों को भी देख लिया, करियर और बिजनेस को भी देख लिया। पिता के लिए कहा जाए तो 15 तारीख के बाद अच्छा है, माता के साथ रिश्तों को थोड़ा सा आपको बना के जरूर रखना है। वैसे ओवरऑल घर जमीन आदि खरीदने की प्लानिंग आपकी चल सकती है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं, ये जो साल 1.5 साल जो अगला साल है अगर आप घर के लिए प्रयास कर रहे थे तो वो अकम्प्लिश हो सकता है। घर वगैरह खरीदना या घर से संबंधित कोई काम है तो आप उसके लिए 2, 3, 12, 13, 21, 26, 27, 31 तारीख ले सकते हो। व्हीकल से संबंधित भी लाभ हो सकता है आपको, और व्हीकल से संबंधित कोई काम आपको कराना है तो 1, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 27, 29 तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। अब ये सब देख लिया तो और भी थोड़े से मुहूर्त, जैसे हमने बात कर लिया कि शादी के लिए तो 6, 7, 9, 15 है गृह प्रवेश। आप गृह प्रवेश मतलब किसी आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है, घर बनाया, उसमें आप पहली बार जाना चाहते हैं तो 8, 15, 21 हो गया। नामकरण, किसी चीज़ को नाम देना, अपने संतान को नाम देना प्रथम है, पर इसके अलावा आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपने कोई निबंध लिखा है, आप कुछ कोई कविता है, आप उसके शीर्षक देना चाहते हैं जनरल लाइफ में,
ये 1, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29। आप कहोगे जी आपने डेट तो बता दी, दिन लग्न बदलते रहते हैं, कौन सा लें? अभिजीत मुहूर्त ले लीजिए, 12:30 से 1:30 बजे तक अक्सर रहता है, तो उसके आसपास लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको ज्योतिष से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक शुभ मुहूर्त होगा, अन्न प्रसन्न मुहूर्त, किसी चीज़ को पहली बार संतान को खाना खिलाते हैं दूध के अलावा कहीं ना कहीं। इन अभी आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया है, पर आप उसमें ना कुछ इनपुट करना चाहते हैं, कोई काम शुरू तो कर दिया है पर उसमें एक विशेष कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो 1, 7, 15, 18, 21, 22, 28, 29 तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। कर्ण भेद, कोई कानों में कुंडल पहनते हैं या कुछ इस तरह का पहनते हैं, लड़के लड़कियां दोनों ही पहनते हैं, महाराजा वगैरह भी पहले पहनते थे, ऋषि मुनि भी पहनते थे। इसके साथ साथ अगर कोई चीज़ है और उसको आप आभूषित करना चाहते हैं, कोई आपने किया है उसको कुछ सजाना वगैरह चाहते हैं, तो उसके लिए 1, 2, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 28, 29 जो तारीखें हैं वो काफ़ी शुभ रहेंगे। ओवरऑल कुछ तारीखें हैं और भी पता नहीं, दुनिया में काम होते हैं, आपको कुछ तय करना है भाई, तो देखिए ओवरऑल जो शुभ तारीखें हैं 1, 6, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28, इसमें से 25, 28, 21 काफ़ी शुभ हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे मुहूर्त भी हो गए, अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों में देखिए क्रिसमस है, क्रिसमस को हम सभी मनाते हैं, पूरी दुनिया ही मनाती है, और वैसे भी जो भविष्य पुराण है उसमें जीसस का भी कहीं ना कहीं हर उसका जिक्र आता है, भविष्य पुराण में जिक्र है। इसके अलावा 25 तारीख का ये त्यौहार हो गया हमारा, नई साल तो आएगी, तो आपको नई साल की काफ़ी सारी शुभकामनाएं हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हो। मार्गशीर्ष अमावस्या जो है वो 12 तारीख की है, प्रदोष पर जो है इस महीने संडे के दिन पड़ेगा, और वो 10 और 24 तारीख का शिवरात्रि जो है सोमवार की है, ओम नमः शिवाय। पूर्णिमा 26 तारीख की है, उत्पन्ना और मोक्षदायी एकादशी इस बार पड़ रही है, उत्पन्ना 8 तारीख की, मोक्षदा 22 तारीख की है शुक्रवार को, संकष्टि 30 तारीख की है, और धनु संक्रांति 16 तारीख की है। तो ये इस महीने के त्यौहार भी हो गए। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ सीखने को भी मिला होगा और आप इसको जीवन में उतारेंगे भी। इसके साथ साथ अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया जो आपको प्रेरित करे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान जो आपको दो, ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें सुनते भी रहें, देखते भी रहें और करते भी रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।